रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हाफ बाइट। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ इमली की चटनी की एक बहुत चटपटी सी रेसिपी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो की कंप्लीट समझ आ जाए। तो आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इमली चाहिए 250 ग्राम, पानी हमें चाहिए 3 कप, कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1/4 टीस्पून, चीनी हमें चाहिए 4 टेबल स्पून, काला नमक हमें चाहिए 1/4 टीस्पून, नॉर्मल यूज़ होने वाला नमक हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। ये थी सारी चीज़ें जो हमें चटनी के लिए चाहिए हैं। तो आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में डाल देंगे हम 250 ग्राम इमली और उसमें शामिल कर देंगे 3 कप पानी। यहाँ पे मैं 250 ग्राम इमली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा या कम बनाना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी और इमली की क्वांटिटी एडजस्ट कर लें। अब हम हाथों की मदद से इमली को अच्छे से पानी में मसल लेंगे ताकि इमली का पल्प सारा पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए और सारी इमली की गुठलियाँ अलग अलग हो जाएं। यहाँ पे गुठलियाँ अच्छे से हमने पानी में मिक्स कर ली हैं। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इमली को पानी में भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे चम्मच की मदद से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो पल्प है वो पानी में मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रख लेंगे। अब सारा पल्प इसमें स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसे हल्के हल्के हाथों से मैश करते जाएंगे ताकि सारा पल्प स्ट्रेनर से बाउल में चला जाए। यहाँ सारा पल्प बाउल में जा चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मज़ीद पानी ऐड करते जाएंगे ताकि बाकी का पल्प भी पानी में मिक्स होकर बाउल में जाता जाए। यहाँ मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और अब हम तब तक थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मैश करते जाएंगे जब तक कि कम्प्लीटली जो पल्प है वो बाउल में शिफ्ट ना हो जाए। इस प्रोसेस में आपको 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। आपने पल्प थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और हल्के हल्के हाथों से मैश करते जाना है ताकि सारा पल्प गुठलियों से अलग हो जाए। इमली का सारा पल्प अच्छे से गुठलियों से अलग हो चुका है। अब हम स्टेज पे इमली के गुठलियों को फेंक देंगे। इमली के पल्प को गुठलियों से अलग करने के लिए मज़ीद 2 कप पानी ऐड हुआ है और हमारे पास इमली का पानी तैयार हो चुका है। अब हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे एक पैन ले लेंगे और सारा इमली का पानी उसमें ऐड कर देंगे। इमली का पानी हमने एक पैन में ऐड कर दिया है। अब इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और उन्हें तब तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक उनमें बॉयल आना स्टार्ट ना हो जाए। अगर आपको कम स्पाइसी इमली की चटनी चाहिए तो आप मिर्च की क्वांटिटी इसमें मज़ीद कम कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इमली के पानी को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही ऐड कर देंगे 1 चुटकी के बराबर काला नमक। अब हम इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इमली के पल्प को तब तक पकाते जाएंगे जब तक ये थिक होना स्टार्ट ना हो जाए और हमारे पास इमली की चटनी की कंसिस्टेंसी ना आ जाए। इमली की चटनी को थिक होने में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप चम्मच कंटिन्यूसली बीच में चलाते जाएँ। ये इमली की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ या फिर चिकन रोल वगैरह के साथ ईजिली सर्व कर सकते हैं। यहाँ इमली के पल्प को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इमली की चटनी अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। अब आप इसे मज़ीद तब तक पका सकते हैं जितने थिकनेस की आपको इमली की चटनी चाहिए। इमली को पकाते हुए बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लेना क्योंकि ठंडा होने पर भी इमली की चटनी मज़ीद थिक हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हम स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इमली की चटनी को डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी इमली की चटनी की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।